DPS सीनियर सेकेंडरी स्कूल तबी जी लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12th. 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस. ऑनलाइन एडमिशन ओपन. विजिट dpsajmer.in. देखिए, मेरा तो इतना ही कहना है कि कोई भी विकास कार्य जनता के लिए होता है. यदि जनता उससे सहमत नहीं है तो वो विकास कार्य नहीं कराया जाना चाहिए. नवाब के बेड़े के लगभग 25 से 30 लोग मेरे पास भी आए थे और उन्होंने मुझे ये आपत्ति दर्ज कराई थी कि क्योंकि टिग्गी बाज़ार में जो डिस्पेंसरी है, उस डिस्पेंसरी के पास में एक मंदिर बना हुआ है, मंदिर के पास में एक स्नानाघर बनाया जा रहा है, जिसके लिए उनको आपत्ति थी. क्योंकि डिस्पेंसरी पे आने वाले लोगों की व्हीकल्स वहाँ खड़े होते हैं, गाड़ियाँ वहाँ खड़ी होती हैं, गाड़ियों का मूवमेंट वहाँ पर होता है, इसलिए पार्किंग की वहाँ स्पेस होनी चाहिए, जगह छूटनी चाहिए, और उस वजह से उनको आपत्ति थी. दूसरी तरफ चूँकि डिस्पेंसरी है, स्वच्छता का ध्यान रखना होता है. एक बार बाथरूम बंद तो जाता है लेकिन उसको कोई साफ सफाई नहीं होती है और उसमें से बदबू आती रहती है. ऐसी स्थिति को देखते हुए आसपास के लोगों ने आपत्ति की गई थी. मैंने इतना ही कहा है कि यदि लोगों को आपत्ति है तो ये कार्य तत्काल प्रभाव से रुकना चाहिए. और यदि स्नानागार की समस्या है महिलाओं को, तो मैंने एक सुझाव दिया है कि वहाँ पर जो कम्युनिटी हॉल बना हुआ है, उस कम्युनिटी हॉल में पिछली बार मेरे द्वारा 25 लाख रुपए के विकास कार्य कराए गए थे. उसमें बहुत सारे बाथरूम्स बने हुए हैं, पानी का टैंक बना हुआ है, पानी की टंकियाँ वहाँ रखी हुई हैं, वहाँ पर बिजली का कनेक्शन है जिससे पानी का टैंक भरता है, और वहाँ पर नहाने के बाद में कपड़े सुखाने की बहुत सारी जगह है. और वो एक बाथरूम नहीं है, वहाँ बहुत सारे बाथरूम है, और उसका जो स्थान है वो भी बहुत विस्तृत है. वहाँ पर एक साथ 25 से 50 महिलाएं नहा करके और अपने कपड़े सुखा करके उनको वस्त्रों को वापस पहन करके घर जा सकती है. यदि कोई गर्मी का कार्यक्रम हो तो एक बाथरूम से तीसरे की बैठक के बाद में जो स्नान होता है वो नहीं संभव है, एक बाथरूम से वो हो नहीं सकता है. वो तो बहुत सारे कंटिन्यू बाथरूम चाहिए, क्योंकि एक हमारी हिंदू संस्कृति में परंपरा होती है कि जब थर्ड डे की बैठक होती है उसके पूर्व परिवार की समस्त महिलाएं कुएं पे जाकर के स्नान करती है. क्योंकि आजकल कुएं रहे नहीं, इसलिए हैंडपम्प्स पे या कहीं बाथरूम बने होते हैं वहाँ जाकर के स्नान करती है. और ये जो मैंने कहा है, ये कम्युनिटी हॉल, इस कम्युनिटी हॉल का जो रिनोवेशन कराया गया था वो इसी उद्देश्य को लेकर के कराया गया था कि कभी गमी हो तो आसपास की महिलाएं इन बाथरूम का इस्तेमाल कर सकें. तो उन बाथरूम के इस्तेमाल करने के लिए विकल्प खुला है, विकल्प है वहाँ पर. यदि डिस्पेंसरी के पास में बाथरूम बनता है तो चूँकि एक बाथरूम में एक ही महिला नहा सकेगी, इतना स्पेस वहाँ नहीं रहेगा, सारी महिलाओं को सड़क पर ही बैठना पड़ेगा, और सड़क पर बैठने की स्थिति में जो डिस्पेंसरी में आने वाले लोग हैं वो बाधित होंगे, उनकी व्हीकल्स बाधित होंगे. ऐसी स्थिति में ये ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा, और यही नवाब के बेड़े के लोगों का भी आपत्ति थी. ये मैंने नगर निगम के कमिश्नर को ये बात बताई है, और लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आगे की कार्रवाई की जानी चाहिए. तो मैडम, कार्य चलेगा या? मैंने कहा ना कि मैंने उनको कहा है कि लोगों की भावनाएं नहीं हैं और वो वास्तव में व्यवहारिक भी नहीं है, वो जगह है ना व्यवहारिक नहीं है, इसलिए इस कार्य को तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए, ऐसा मैंने उनको निवेदन किया है. मंदिर के पास में स्नानघर बनाया जा रहा था, हमारे इस चीज़ का विरोध था. अब इस विरोध को हमारे अनिता जी ने रुकवा के, काम रुकवा के हमारा निवेदन स्वीकार किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. प्रशासन ने बहुत साथ दिया, स्टाफ ने बहुत साथ दिया, उसका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद. अनिता जी को, प्रशासन को, आप सबको, सबने जिन्हों सहयोग दिया उन सबको मेरी तरफ से धन्यवाद. एसोसिएशन को, मेरा नाम अशोक वतवानी. विरोध हुआ था ठटेरा चौक में, एक शिव जी के मंदिर के पास एक शौचालय बनने की बात चल रही थी. नगर निगम के परमिशन लेके यहाँ पे एक स्नान शौचालय की तरह एक बनाने का चल रहा था. उसके पीछे मार्केट की तरफ से और मोहल्ले के पड़ोस की तरफ से एक विवाद हुआ था. उसके लिए हम दो तीन जगह गए, अनिता मैडम जी के पास गए और भी दो चार जगह गए. तो हम सबका, प्रशासन से लेके मैडम का लेके सबका, पुलिस प्रशासन, सीआई साहब, अपने जो भी मोहल्ले निवासी, इनका सबका शुक्रिया अदा है कि इनके सहयोग से काम रुकवा दिया गया है. हमारा यही था कि यहाँ एक शौचालय नहीं बने, क्योंकि मंदिर पास में आस्था का है और यहाँ पर जागरण होते हैं और भी 50 काम होते रहते हैं, यहाँ पे भी भजन कीर्तन चलते रहते हैं, इसलिए ये हमारा विवाद था. और मैडम ने ऊपर बनवा भी रखा है, और ऊपर नगर निगम की तरफ से ऊपर धर्मेंद्र गहलोत जी के मकान के सामने कमेटी हॉल एक शानदार बना रखा है. उसके अलावा एक डिग्गी तालाब पे भी, गेट पे भी था. तो हमारा विवाद था, इतना बड़ा कमेटी हॉल बना रखा है जहाँ कम से कम
200 लेडी या 200 जेंट्स शादी समारोह में भी आता है काम में, ऐसी बात नहीं है, सुख दुख में सब में आता है काम। हम चाहते थे जब वहाँ बनाए तो मंदिर के सामने बनाने का कोई वो नहीं था, इस चक्कर में ये विवाद था, इस चक्कर में आज बाज़ार भी बंद रहा। और अभी हमारी मैडम अनीता बेदल जी को शुक्रिया अदा, और जो भी प्रशासन के सब जन हैं उनको हमारी तरफ से हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद, पुलिस प्रशासन CI साहब जिन्होंने हमारा सहयोग दिया, मार्केट एसोसिएशन के सब लोगों का शुक्रिया कि ये विवाद हमारा यहीं ख़त्म हो गया और हमारा ये काम रुकवा दिया गया। मेरा नाम घनश्याम शर्मा।